हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम माइकल स्कूल। देखिए क्लास 3rd और 5th के स्टूडेंट्स हैं और आज हमारी क्लास 3rd और 5th की वीडियो है डे नंबर 12। और आज डे 12 पर हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर है 14.1, आपका पैरामीटर एंड एरिया। और इस चैप्टर का आपका पेज नंबर 141 पर क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड्स, यानी आपको एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का, जिसकी एक साइड दे रखी है। ये तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपके पास क्या दे रखा है, साइड दे रखी है ए। ये कितनी दे रखी है, 28 मल्टीप्लाई 28, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16 और 6 ये आएगा 56, 4 6 2 8 और 5 2 7, तो ये आंसर आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, तो इसका बी देखते हैं, सॉरी इसका बी 28 वाला, इसका बी या इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूं 784 मीटर स्क्वायर इसका बी है। तो 12.5 मल्टीप्लाई 12.5, इसका अपन इधर बर्चर चलते देख लेते हैं, 12.5 मल्टीप्लाई 12.5, आप अपने नोटबुक में करिए, इसको आप करोगे तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 5 5 और 6, इसको आप 2 से करोगे तो 250 और इसको करोगे 125, 5 2 5 5 10 और 6 16, 2 2 4 और 1 5 और 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.1 1 और 1 2.1 1 156.25, तो इसका आएगा 156.25। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर ए और बी, क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग, देखिए रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है आपको। रेक्टेंगल में दो चीज होती है, लेंथ होती है और ब्रिथ होती है। लेंथ आपको निकालनी है जब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ब्रिथ दे रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। एरिया कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज और, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर = हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मीटर² = हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एरिया में कितना रखना है, 10,000 सेंटीमीटर। लेंथ आपको फाइंड करनी है, लेंथ की जगह लेंथ रखेंगे, ब्रीथ आपको दे रखी है 50, तो ये लेंथ इधर रख के आप इस, ये मल्टीप्लाई में है, ये 50 को आप इधर भेजोगे तो ये डिवाइड का चला जाता है, तो 10,000 / 50 = लेंथ, तो लेंथ आपका आ जाएगा 10 से 10 कट हो गई, 5 2 10 और 2 0, तो आपका आ जाएगा लेंथ = 200 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। इसका सेकंड देखेंगे, एरिया दे रखा है 32, तो फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रिथ। लेंथ आपका निकालना है, एरिया आपको 32 दिया है, ब्रिथ आपको 8 दिया हुआ है, तो लेंथ इक्वल टू 32 में आपको डिवाइड देना है किसका, 8 का, तो लेंथ आ जाएगी आपका 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग, देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपको ब्रिथ दे रखी थी, लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है, ब्रिथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रिथ इक्वल टू एरिया। तो ब्रिथ आपको दे रखी नहीं है, लेंथ आपको दे रखी है, तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 8 मल्टीप्लाई ब्रिथ आपको फाइंड करनी है और एरिया दे रखा है 150, तो बी इक्वल टू 150/8, इसको आप डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड देता हूँ मैं 150, 8 1 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ से 0 राइट, 8 8 64 6 बचेगा, यहाँ से पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 उतारोगे, 8 8 7 56, तो आपका आंसर आ जाएगा, और 8 5 40, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 18.75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया इसका दे रखा है 100 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया,
लेंथ आपको दे रखी है कितनी 15 मल्टीप्लाई ब्रिथ आपको फाइंड करनी है और एरिया आपका 100, तो ब्रिथ इक्वल टू 100 डिवाइड जाएगा 15, तो इसमें डिवाइड करके देखते हैं 15 का 100 में 15 से 90 10 और अगेन 15 यहां पॉइंट लगेगा 15 से 90 तो ये आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम डे 13 पर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू।